भी हेल्दी ऑप्शन में आज हम एकदम से भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स डाल के इंस्टेंटली फटाफट से लंचेज बनाएंगे, वो भी बिना मैदे और बिना चीनी की। देखिए यहाँ पर मैंने पाव कप ऑरेंज जूस लिया है, यहाँ पर मैंने फ्रेश जूस लिया है, आप चाहे तो कोई भी जूस ले सकते हैं। उसी में हम मिलाएंगे आधा कप दूध। तो ऑरेंज जूस में हम दूध मिला रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे पाव कप तेल। तो एकदम से हेल्दी ऑप्शन आज हम बना रहे हैं केक का। तो आप अगर चाहे तो ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर को मेल्ट करके पाव कप आप ले सकते हैं। और इसी में हम मिलाएंगे आधा कप गुड़ लिया है मैंने, जो गुड़ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर में वही गुड़ है ये। इसकी जगह आप गुड़ की पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वज़न में 100 ग्राम है गुड़ ये। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि गुड़ इसमें अच्छी तरह पिघलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स में मैंने क्या क्या लिया है। प्लम केक है, तो जितनी आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, साथ साथ घर में जो भी अवेलेबल है आप उसमें से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काली किशमिश ली है, काजू लिए हैं, एप्रिकॉट लिए हैं, साथ साथ ही ड्राइड चेरी ली है, बादाम लिए हैं, ड्राइड स्ट्रॉबेरी भी है, ड्राई खजूर भी है, और उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर देखिए अखरोट लिए हैं, ये वाली किशमिश भी ली है, टूटी फ्रूटी ली है और पिस्ता भी लिए हैं थोड़े से। इन सबको मिला के मैं देखिए यहाँ पर 3/4 कप हम ये सब मिला के मैं ले रही हूँ, ये पाव कप और उसके साथ साथ ही आधा कप, तो 3/4 कप हमने टोटल लिया है। इन सबको भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने से पहले यहाँ पर देखिए 6 इंच का केक टिन लिया है मैंने, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लीजिए, नहीं तो फिर आटे से ग्रीस करेंगे क्योंकि आटा ही हम यूज़ करने वाले हैं आज, तो आटे से डस्ट कर लीजिए इसे। यहाँ पर सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स हम छान के लेंगे, छान लेने से थोड़े से लम्स वगैरह कुछ बचे हैं तो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ 1 कप और उसके बाद पाव कप यानी 1/4 कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, क्योंकि गेहूं के आटे से ही हम बनाने वाले हैं केक आज। और आटा भरते वक्त मैंने बिल्कुल टैप वगैरह करके नहीं भरा है, ऊपर से आटा भरा है कप में। उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर लेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर से थोड़ा सा कलर अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर मैं इसेंस नहीं डाल रही हूँ, तो इसेंस की जगह मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर। साथ साथ ही मुझे इसमें जायफल पाउडर और दालचीनी की पाउडर भी डालनी है, पर मेरे पास दोनों की पाउडर नहीं है तो मैं यहाँ पर घिस के लूँगी। तो जायफल और दालचीनी, अगर आपके पास पाउडर नहीं तो आप इस तरह से घिस के भी डाल सकते हैं, बन जाती है अच्छी तरह पाउडर। और उसके बाद इन सबको हम छान लेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें मिक्स करना है और ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से फटाफट से अगर मिलाने की हमने कोशिश की तो हो सकता है कि हमारा केक डेंस बने, तो बिल्कुल भी हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हमें और ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे हम दूध ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1/4 कप मैं दूध पहले तो ले रही हूँ, इसे भी धीरे धीरे ऐड करेंगे और हल्के हाथों से वैसे ही इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले जो 1/4 कप दूध लिया था वो पूरा मैंने ऐड कर दिया है और ऊपर से फिर और एक बार मैंने 1/4 कप दूध लिया है, क्योंकि पहले ही हमें समझ में नहीं आता है कि कितना दूध हमें चाहिए, जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे दूध हम ऐड करते हैं। तो बस कंसिस्टेंसी का हमें ध्यान रखना है, हो सकता है कि दूध आपको ऊपर नीचे कम ज़्यादा लगे, बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर पतली कंसिस्टेंसी हो जाती है तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो ड्राई फ्रूट्स सारे हमने डाले हैं वो सारे नीचे तले में जाके बैठ जाते हैं। तो एकदम से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, थोड़ा सा थिक रखना है बैटर। और देखिए यहाँ पर दूध मैंने जो पहले लिया था वो 1/4 कप और इसमें से मुझे शायद 2 बड़े चम्मच के करीब दूध लगा है, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके का बैटर होना चाहिए। इसके बाद हम बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे टिन में और थोड़ा सा इसे टैप करेंगे, और उसके बाद अगर आप चाहे तो ऊपर से इसे सजा सकते हैं, तो ऊपर से मैं काजू से वगैरह सजा रही हूँ इसे, और साथ उसके बाद हम चलेंगे इसे बेक करने की तरफ।
ये सारा सेटअप मैंने 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था, और लास्ट के एटलीस्ट 2-2.5 मिनट तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। अब हम इसमें अंदर टीन रखेंगे और ऊपर ढक्कन रखेंगे और गैस फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और 40 मिनट के लिए इसे बेक होने देते हैं। 35 मिनट्स में आप एक बार इसे ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पर देखिए करेक्टली 40 मिनट हो चुके हैं और केक हमारा अच्छी तरह फूल भी चुका है, बेक भी हो चुका है। तो अब हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। केक हमारा बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है और इसे साइड से थोड़ा सा इसे छुड़ा लेंगे और उसके बाद इसे डीमोल्ट करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि केक हमारा बिल्कुल भी अच्छी तरह बेक हो चुका है, नीचे से भी कितना अच्छा प्यारा रंग आया है और साइड से भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा रंग आया है और कितना अच्छी तरह बेक हो चुका है। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को घर में बनाइएगा, बिना मैदा बिना शुगर वाला केक आप ज़रूर बनाइए।